होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। इसराइल एक लहलाती हुई दाखलता सी है जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु जो जो उसके फल बढ़े त्यो त्यो उसने अधिक वेदियां बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरती आई वैसे वैसे वे सुंदर लाटे बनाते आए। उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। अब तो वे कहेंगे कि हमारे कोई राजा नहीं है। कारण यह है कि हमने यहोवा का भय नहीं माना, सो राजा हमारा क्या कर सकता है। वे बातें बनाते और झूठी शपथ खाकर वाचा बांधते हैं। इस कारण खेत की रेघारियों में धतुरे की नाई दंड फूल फूलेगा। सामरियों के निवासी बेतावेन के बछड़े के लिए डरते रहेंगे और उसके लोग उसके लिए विलाप करेंगे, और उसके पुजारी तो उसके कारण मगन होते थे उसके प्रताप के लिए इस कारण विलाप करेंगे कि वह उसमें से उठ गया है। वह यारेब राजा की भेंट ठहरने के लिए अश्शूर देश में पहुंचाया जाएगा। एफ्रेम लज्जित होगा और इसराइल भी अपनी युक्ति से लजाएगा। सामरिया अपने राजा समेत जल के बुलबुले की नाई मिट जाएगा और आवेन के उच्च स्थान जो इसराइल का पाप है वे नाश होंगे और उनकी वेदियों पर झड़बेरी पेड़ और ऊंट कटारों के समान उगेंगे। उस समय लोग पहाड़ों से कहेंगे कि हमको छिपा लो और टीलों से कि हम पर गिरो पड़ो। हे इसराइल, तू गीबा के दिनों से पाप करता आया है। उसमें वे ठहरे रहे ताकि वे कुटिल मनुष्यों के संग लड़ाई में न फंसे। जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उन्हें ताड़ना दूंगा और देश देश के लोग उनके विरुद्ध इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए कि वे अपने दोनों अधर्मों के संग जूते हुए हैं और एप्रेम सीखी हुई बछिया है जो अन्न दावने से प्रसन्न होती है। परंतु मैंने उसकी सुंदर गर्दन पर जुआ रखा है। मैं एप्रेम पर सवार चढ़ाऊंगा और यहूदा हल और याकूब हेंगा खींचेगा। धर्म का बीज बो, तब करुणा से अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अब यहोवा के पीछे हो लेने का समय है ताकि वह आए और तुम्हारे ऊपर धर्म बरसाए। तुमने दुष्टता के लिए हल तो जोता है और अन्याय का खेत काटा और धोखे का फल खाया है, और यह इसलिए हुआ कि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। इस कारण तेरे लोगों में हुल्लड़ उठेगा और तेरे सब गढ़ ऐसे नाश किए जाएंगे जैसा बेतवेल नगर युद्ध के समय शलमन से नाश किया गया, और उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थी। इस प्रकार का व्यवहार बेतल भी तुमसे तुम्हारी अत्यंत बुराई के कारण करेगा। भोर होते ही इसराइल का राजा पूरी रीति से मिट जाएगा।